आदर आदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के दोस्तों भाइयों बहनों। कमला हॉस्पिटल, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता आया हूँ कि स्वास्थ्य के उसमें क्षेत्र में हर दिन नए आयाम बनाते जा रहा है, और ये एक शो जो मैं आज आपके लिए कर रहा हूँ ये इसी चीज़ को स्थापित करेगा दोबारा से, कि एक से एक नए डिपार्टमेंट्स जिनकी आज झांसी में बहुत रिक्वायरमेंट है और झांसी में अभी तक है नहीं, पूरे बुंदेलखंड में नहीं है, वो यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और इसीलिए आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कमला हॉस्पिटल के विजिटिंग डॉक्टर हैं और यहाँ पे नागपुर से आते हैं, डॉक्टर निकुंज चौधरी, जो कि MBBS MD हैं न्यूरो उसमें रेडियोलॉजिस्ट में एंड इंटरकंशनल और इंडोवास्कुलर के सर्जन हैं। उनसे बात करेंगे, सारी जानकारी लेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या बीमारियाँ हैं, इसके बड़े बड़े लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है, वो सारी चीज़ हमें आज डॉक्टर निकुंज बताने जा रहे हैं। डॉक्टर निकुंज नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत पहले तो झांसी के अंदर। थैंक यू। और हमारे जितने भी सब श्रोताएं हैं बुंदेलखंड इस चैनल को देखता है, और अच्छी बात यह है कि आज आपको देख करके खुशी होगी उन्हें, बिकॉज ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके लिए जनरली लोग झांसी से बाहर जाते हैं, और आप समझ सकते हैं झांसी बुंदेलखंड के लोगों का व्यापार से सफर होता है, कुछ लोगों को लंबी लंबी छुट्टियां लेनी पड़ती है इलाज के लिए, तो नुकसान होता है हर तरीके से, और बाहर में जो खर्चा आता है वो झांसी से ज्यादा ही होता है। हाँ, तो पहले तो हमें छोटी सी थोड़ी सब मतलब जैसे आसान शब्दों में जैसे कहेंगे डॉक्टर साहब, और हमें ये जानकारी मिले कि ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या चीज़ है, ये क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है आजकल, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं, किस वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। मैं डॉक्टर निकुंज विक्रम चौधरी हूँ, मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और मैं अभी कमला हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, जो विजिट देता हूँ मैं यहाँ पर अपनी वीकेंड्स पे। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक नई ब्रांच है जो नसों के विकारों से डील करती है, नस यानी कि आर्टरी वेन या आप बोलो कि वैस्कुलर सिस्टम से, एज लाइक एक कार्डियोलॉजिस्ट काम करते हैं हार्ट के ऊपर, हार्ट की आर्टरीज में, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट काम करते हैं आपकी ब्रेन की आर्टरीज और वेन्स से लेकर पैरों तक के, चाहे वहाँ से कुछ ब्लीडिंग हो या कुछ गैंग्रीन हो यानी कुछ ब्लड सप्लाई कम हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर में आते हैं, और ये पूरे जो इलाज जो इसके अंदर आते हैं वो बिना किसी टाके बिना किसी शीरे के होते हैं, यानी बिना विदाउट नो इट रिक्वायर्स नो सूचर नो कट्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स आर डे केयर आपका लेस हॉस्पिटल स्टे में बड़े से बड़े इलाज होते हैं। जैसे कॉमनली जो चीज़ें हैं जो वॉक इन पेशेंट्स हमारे पास में जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की OPD में आते हैं वो होते हैं वेरिकोज वेंस, DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसका मतलब होता है कि आपकी डीप वेंस में क्लॉट बन जाते हैं, उसके वजह से पैर में सूजन आ जाती है और पैर मोटा हो सकता है, इस तरीके की सिम्टम्स होती हैं। तीसरी चीज़ है आपके गैंग्रीन यानी पैर का सड़ना, क्योंकि आर्टरीज में कोई ऑक्लूजन होने की वजह से या फिर आर्टरीज में ब्लॉकेज आने की वजह से पैरों की, एज लाइक जैसे हार्ट में भी होता है। जी जी, तो उस तरीके से इनफैक्ट मैं यही बात करने चाह रहा था डॉक्टर साहब आपसे, आपने बहुत आसान शब्द में पहली चीज़ तो ये बताई, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अगर मैं इसे हार्ट से रिलेट करूँ, जब हम कहते हैं नस के अंदर एक ब्लॉकेज आ गया है तो एंजियोप्लास्टी कराई है, एक उसमें डल जाता है तो उससे वेन फिर खुल जाती है और फिर ब्लड फ्लो हो जाता है। हाँ, ये तो होगी हार्ट की बात। हाँ, जब हम पूरी बॉडी की बात करते हैं उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है और ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है, तो ये काम जो है वो आप जैसे एक्सपर्ट्स का काम है। मैं जैसे आपको बताता हूं, समझ सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक की प्रॉब्लम जो है आप फ्रीक्वेंटली देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल में, जहाँ पर जो भी बड़े सेटअप्स है कमला हॉस्पिटल जैसे, जी दिन में 2 से 3 स्ट्रोक के पेशेंट्स तो नॉर्मली आते हैं, बट स्ट्रोक आने के बाद में वो जो ट्रीटमेंट किया जाता है जी, कि थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो आजकल हमारी नए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर प्रोसीजर आ गया है जी, उसमें आप ये समझ लीजिए क्लॉट जाता है ब्रेन के अंदर में जी, हम उसको डिवाइस से कैच करके बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, स्टेंट रिट्रीवर और इससे, तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज है जिसके वजह से इनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और दूसरी बात, जैसे अभी स्ट्रोक का पेशेंट आया है, स्ट्रोक से हम बच भी सकते हैं कि हमें, जैसे अगर अर्ली सिम्टम्स है आपको वीकनेस डेवलप हो रहा है या ट्रांजिएंट इशेमिक अटैक जिसको TIA बोलते हैं, या किसी तरीके से जबान ढीली पड़ना या एक तरफ से शरीर ढीला पड़ जाना, ये स्ट्रोक आने के पहले आपके पैरालिसिस के मेजर अटैक आने के पहले ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको कुछ पेशेंट्स को पता चल जाते हैं, तो उस समय हम लोग ये है कि ब्रेन को जाने वाली नसों की एंजियोग्राफी कर लेते हैं,
जैसे हार्ट की भी आप मतलब आर्टरीज जो है वो पतली होती है, उसी तरीके से ब्रेन को जाने वाली जो कैरोटिड आर्टरीज होती है उसमें भी ब्लॉकेजेस होते हैं, और उसी वजह उस वो भी कारण होते हैं कि ये 40% ऑफ द केसेस में कि स्ट्रोक होने के। अच्छा, तो ये आपका ये प्रिडिक्टिव चीज़ें हैं। अगर आप जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आते हैं और आपके ऐसे सिम्टम्स हैं, हम लोग कैरोटिड डॉपलर करते हैं, उसके बाद फोर वेसल एंजियोग्राफी करते हैं, तो लेवल ऑफ स्टेनोसिस क्या है, यानी कितनी बारीकी है उस आर्टरी में, ये सब चीज़ देख के इवैल्यूएट करते हैं। सही, मैं धीरे धीरे सर से पैर तक के जाऊंगा, जो भी आपकी बीमारियों के ऊपर में जो चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद अगर समझ लीजिए ब्लॉकेज है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में जाके मेन नस जो आर्टरी है जो जो सप्लाई करती है ब्रेन को, तो अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है मोर देन अगर समझ लीजिए 70% से ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा है, तो देन दैट इज़ अ टाइम कि हम लोग उसको स्टेंटिंग करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का विद एम्बुलस प्रोटेक्शन डिवाइस। ओके, तो उस वजह से पेशेंट को जो है स्ट्रोक आने वाला होता है। तो किसी बिहाफ ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो नस की बारीकी, एक होती है थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी आपकी बॉडी की जो खून गाढ़ा होने की क्षमता से कुछ और बीमारी होती है, प्रोटीन सी एंड एस, एंटीफॉस्फोलिपिड, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये हो गया आपका स्ट्रोक का। अच्छा, एंड स्ट्रोक इज एज कॉमन एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक डिजीज, करेक्ट है सर, करेक्ट एकदम। तो जिनको ये सिम्टम्स है उनकी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, या जिनको अभी हो गया है जी, आगे बड़ा पैरालिसिस का अटैक ना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये सब चीजें। डॉक्टर साहब, अब एक बात अंदर से जो मेरी जिज्ञासा हो रही है वो ये जानने की हो रही है कि ये बड़े जैसे कहते हैं ना बहुत ही पेचीदा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती है, तो कि इनमें कितना समय लगता है, कितनी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि अब ये बिना पेन के या कम समय में कितना जल्दी हो जाए, फ्री हो जाए, अगर आप बताएं इस पर। देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, मैं इनको सर्जरी या ऑपरेशन नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं इनको प्रोसीजर या थेरेपी के इसमें ही बोलता हूँ, बिकॉज एक लेमैन के अंडरस्टैंडिंग में ये चीज आए कि ये पहली बात तो बिना किसी भी कट और बिना किसी सूचर, यानी एक टाका नहीं और एक चूरा, इसमें एक चीरा नहीं लगता। ये तो बड़ी अच्छी बात बोल दिया। पैर की एक छोटी सी नस जिसको कॉमन फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, या फिर रेडियल आर्टरी जो हाथ की नस है जी, ये हमारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, इससे जाके हम पूरे बॉडी की आर्टरीज या ऑर्गन्स एक्सेस कर सकते हैं। वाओ, अच्छा, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको हाँ ये यहाँ से मोस्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी, ये दो ही एक्सेस। तो इसी तरीके से मैंने आपको स्ट्रोक का बताया, अभी हम नीचे आते हैं। ठीक है, हार्ट छोड़ दिया, हार्ट हमने छोड़ दिया कार्डियोलॉजिस्ट के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात सर, वो परफेक्ट, आपका पूरा एरिया ये है। ठीक है, अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि टीबी के पेशेंट्स होते हैं जी, जिनको जो टीबी का एज इन सिक्वेले बोला जाता है कि उनको ब्लड आता है थूक में या जब वो खांसते हैं, खांस में हेमोप्टेसिस बोलेंगे या जैसा भी, तो उसमें भी प्रोसीजर होता है ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। जिस पेशेंट में ऐसा ब्लड आता है हर बार खांसी में या उसमें, तो उसको हम लोग ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलेशन के थ्रू वो बंद कर देते हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज और उसके जो लीजन को फीडर्स होते हैं जी विद पीवीए पार्टिकल्स, वो भी छोटी सी छोटे से हम ट्यूबिंग्स लेके यानी माइक्रो कैथेटर्स लेके उस जगह पे पहुंचने के बाद अच्छा, उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, सिमिलर जैसे मैंने आपको बताया है अब लंग्स का, उसी तरीके से और नीचे आते चलो लीवर का, लीवर कैंसर जो चीज़ होती है उसका वैसा ही जो प्रोग्नोसिस है इज वेरी पुअर, यानी जो टाइम बहुत कम होता है लीवर कैंसर के अंदर। ऑल राइट सर, ठीक है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ डूइंग एनीथिंग, बहुत ही एग्रेसिव कैंसर है और जिसका काफ़ी कम ऐसा आर्टिकल्स कहते हैं 6 मंथ से भी कम रहता है। अच्छा सर, तो इसमें जो है आप कीमोथेरेपी और रिसेक्शन और ये सब चीज़ ओपन प्रोसीजर, बट आज की तारीख में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर में अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, यानी कि जो कैंसर की गांठ है उसके अंदर सीधा निडल और एंटीना डाल के हम लोग उसको कैंसर की गांठ को जला देते हैं या बर्न कर देते हैं। और सिमिलरली उसके साथ में टेस्ट करके एक प्रोसीजर होता है ट्रांसआर्टरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू हम लोग सीधा साइट पे जाके जहाँ पर कैंसर का ट्यूमर है उसके आजू बाजू हम लोग जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग है वो डायरेक्टली देते हैं, हम यहाँ शरीर से नहीं, डायरेक्टली जो कैंसर के साइट पे जाके जी हम लोग उनको करते हैं। अब इस तरीके से लीवर पे आ गए जी, इसी तरीके हम बाकी पेट की चीज़ों पर आते हैं। ठीक है जी, लीवर एब्सिस हो गया जी, लीवर एब्सिस के बाद लीवर एब्सिस भी हम लोग ड्रेनेज जो है वो एक छोटी सुई से जाके पूरा जितना भी पस है अंदर वो सब ड्रेन कर देते हैं। उसके बाद जो जितने भी जैसे क्लॉट स्किन ट्यूमर हो गए या जिसमें जिसमें बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें परक्यूटेनस बिलियरी ड्रेनेज और स्टेंटिंग, ये सब चीज़ें लीवर से रिलेटेड है। सिमिलरली पेट में अगर किसी को समझ लीजिए मेजेंट्री की शीमिया या पेट की जो अपनी मेजेंट्री की सप्लाई है, सुपीरियर मेजेंट्री की आर्टरी, इन्फीरियर मेजेंट्री की आर्टरी, ये सब चीज़ें हैं, अगर उसमें ब्लड सप्लाई कम है वहाँ पर भी स्टेंटिंग करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं इस केस पे।
और सिमिलरली अगर कोई एनुरिज्म है, एनुरिज्म यानी आप ये बोल लेंगे कि बलूनिंग ऑफ आर्टरी यानी नसों के गुब्बारे बन जाते हैं जो कभी भी फट सकते हैं और दैट कैन बी डेंजरस, हाईली फेटल थिंग। तो एनुरिज्म को मैं इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मतलब कि एक कॉमन आदमी समझ पाएगा कि इसके फटने से डर है, फटके ब्लीडिंग होने के चांसेस और वो कहीं पर भी बॉडी में होता है, ब्रेन में तो काफी ज्यादा होता है जो आपने ब्रेन हेमरेज और सुना होगा, बाकी चीजें जो स्पॉन्टेनियस उसी तरीके से वो कहीं पर भी होता है। पैनक्रियाटाइटिस जिनको होता है काफी समय से क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का सीक्वेले होता है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी का एनुरिज्म, ये सब चीज, तो इसको बंद करना, कॉइलिंग, ये सब चीज पेट पे आके अभी हम लोग ऑर्गन्स पूरे ये चीज हो गए जी। सिमिलरली बाकी जैसे अब जो पेरिफेरल वास्कुलर में हम लोग आते हैं, तो जैसे हाथ का, जो हाथ का गैंग्रीन या पैर का गैंग्रीन यानी कि सड़ना उंगलियों का या पैर का, वो इस वजह से होता है कि वहाँ ब्लॉकेजेस जो पैर की नसों के हो जाते हैं, तो उस वजह से पहले के टाइम पे सीधा काटने में आ जाते थे, राइट, तो हटाते थे, गैंग्रीन हो गया वो चीज के लिए। अभी हम लोग सिमिलरली छोटे से वायर और ट्यूबिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पर, वहाँ बलून प्लास्टिक करते हैं या उसको स्टेंट रिक्वायर्ड है स्टेंट डालते हैं और उसके बाद इंट्रा आर्टरियल थ्रोम्बोलाइसिस करके उसको रीवैस्कुलराइज करने की पूरी कोशिश, मतलब पैर वापस से शेप में आकर के वर्क करने में आ जाता, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। पहली बात तो है कि ये जो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, पहले सोचता है कि पैर दर्द क्यों हो रहा है, नॉर्मली हो रहा होगा काफी, फिर उसके बाद में पेशेंट इस पॉइंट पे आता है कि भाई अब ये दर्द बढ़ते ही जा रहा है और या उंगली काली पड़नी चालू हो गई है, तो जब अलार्म होते हैं पेशेंट देन दे गो टू डॉक्टर। इट इज नॉट लाइक हार्ट अटैक और स्ट्रोक की इमीडिएटली उनको मालूम है कि छाती में दर्द हो रहा है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। पैर में आदमी अगर नॉलेज नहीं है या जैसे होते हैं पेशेंट काफी गांव के एरिया में जहाँ फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है या हम अगले जो भी टाइम आने पे दिखाएंगे इस तरीके से तो बढ़ चुका हाँ होता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी शुरुआत में नहीं दिखा दिखाई देता है क्योंकि पहले मसल इश्मिया होता है, बाद में स्किन चेंजेस आते हैं, तो ये सब चीजें होता है कई बार डिले हो रहे। तो इमीडिएट अगर आप 12-14 घंटे के अंदर में आ रहे हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे हैं। आप वही चीज को लेकर आप 1-1.5 महीने बाद आएंगे तो कोई पेशेंट आ रहा है तो वो उतना ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वेरी डिटेल्ड डॉक्टर साहब, अभी आपको करते हुए सारी चीजों पे कितना समय हो गया होगा सर? मैं इस फील्ड में मतलब पोस्ट एमडी पोस्ट फेलोशिप आई एम डूइंग सिंस 5 years एंड फ्रॉम हेड टू टो एवरी इंटरवेंशन आई हैव डन एंड लाइक आई एम डूइंग एंड स्टार्टेड डूइंग इन कमला हॉस्पिटल। एक चीज और है कि जैसे जो गायनिक और ऑब्स इंटरवेंशन, जैसे अगर जो भी डॉक्टर्स लोग मेरे जो देख रहे हैं जिस तरीके से प्लेसेंटा, जो इन्वेजिव प्लेसेंटा होता है या प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटाज जिसमें ब्लीडिंग एंटिसिपेटेड होती है एट अ टाइम ऑफ सीजेरियन, जिसमें जैसे प्लेसेंटा आप इनक्रीटा या परक्रीटा आप जिसमें देखेंगे कि 3-3 liter तक के ब्लड लॉस होता है, वो आईआर में ऐसे प्रोसीजर्स है जिसको हम लोग प्रोसीजर करके वी मेक इट ब्लडलेस, ठीक है, जिसमें जो मदर और बेबी दोनों के लिए डेंजरस कंडीशंस होती है जिसमें जी, तो हम लोग प्री ऑपरेटिव कैनुलेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरीज करते हैं एंड इंट्रा सीजरियन एम्बोलाइजेशन करते हैं बिफोर रिमूविंग द प्लेसेंटा। So all these novel procedures I am doing and patient is discharged. डॉक्टर साहब कुछ indications बताएंगे, जैसे पैरों में कुछ होता है तो कैसे मालूम पड़े या हाथों में होता है तो एक थोड़ा सा आइडिया जैसे एक नॉर्मल इंसान को समझ में आए कि यार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप मैं अगर पैर के आप नसों की बात करेंगे, जैसे आर्टरीज की बात करते हैं, क्रिटिकल लिम्ब इशीमिया या कुछ है, पहली बात तो जो जैसे हैवी स्मोकर्स होते हैं जिनको 10-20 साल से हिस्ट्री है स्मोक कर रहे हैं, तो इनमें बर्जर्स डिजीज कर मतलब एक बीमारी है जो काफी कॉमनली होती है जी, उस वजह से पैर की जितनी आर्टरीज होती है पतली हो जाती है। अच्छा। तो सबसे पहले तो पेशेंट का जो रहेगा क्लॉडिकेशन रहेगा, क्लॉडिकेशन यानी उसे खिंचाव वाला दर्द पैर के अंदर होना चालू होगा। अच्छा। ठीक है। okay. उसमें भी ठीक है, जितना टाइम चलेगा वो चलता है वैसे ही, कभी ना कभी उसको फिर ऐसा होता है कि कहीं से उंगली का एक टिप काला पड़ना चालू हो जाता है, डार्क होना चालू हो जाता है, या फिर सीवियर पेन होता है उसको कि क्लॉडिकेशन यानी खिंचाव वाला पेन पूरा। अच्छा। Okay. ये सब चीजें मतलब एक थोड़ा सा स्ट्रेचिंग सी फील होगी। हाँ, स्ट्रेचिंग पेन। एक बहुत अच्छी चीज़ आपने सब लोगों को झांसी और बुंदेलखंड वासियों को बताया कि इस तरह की परेशानियां जो वेन्स से रिलेटेड होती हैं, हार्ट को छोड़ दें अगर हम हाँ, और सारे बॉडी की वो वेन्स का काम यहाँ पे देखिए, जो हमारे बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के, वो वेरिकोज वेन्स के होते हैं। वेरिकोज वेन्स अगर मैं सरल भाषा में समझाऊँ आपको तो वो प्रेजेंट होती है पैर की उभरी हुई नसें, नीली नसें जो घुमावदार दिखेगी आपको और काफ़ी उभरी हुई सी दिखेगी,
दूसरे सिम्टम्स उसके ऐसे है कि आप जैसे अगर लॉन्ग स्टैंडिंग वर्कर है, लाइक ज्यादा खड़े रहने का प्रोफेशन है, एज लाइक सर्जन्स का हो गया, डॉक्टर्स भी काफी खड़े होते हैं, एंड टीचर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, एवरीथिंग, जिनका भी लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क है, आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स, किसी भी चीज में जो रिक्वायर करता है कि यहाँ खड़े रह के काम करना, उनमें ये क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी की ये प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से प्रेजेंट होती है, या नस आपको ऊपर से उभरी हुई दिखेगी नीली बैंगनी कलर की, और दूसरा या बैठते हो तो एकदम से खुजली चालू हो जाती है, या पैर में सूजन आना जो रात में सोते समय चले आना और फिर दोबारा आ जाना, जैसे मोस्ट ऑफ पेशेंट मेरे को बोलते हैं कि सर रात में पैर ऊंचा करके रख दिया था तो सूजन चले गई थी, फिर सुबह होते हैं तो आ जाती है, तो पैर की स्वेलिंग वाली, या जिनको नसें ऊपर उभरी हुई दिखती है, और बाकी कुछ जैसे वेरिकोज जैसे सिम्टम्स है, पैर में दर्द है, अब ये पैर के दर्द के काफ़ी कारण होते हैं, बट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपके पोस्चरल चेंजेस से, उठने बैठने से, और आपके प्रोफेशन जिस हिसाब से आप वो कर रहे हैं, तो ये वेरिकोज वेंस के बाकी एक कॉमन सिम्टम्स हैं। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे फिर आपसे ज़्यादा चाहेंगे, हमने आपको वैसे बहुत कीमती समय ले लिया। डॉक्टर साहब झांसी में आई मीन कमला हॉस्पिटल इज़ अ वेरी लीडिंग हॉस्पिटल, टॉप ऑफ द क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, बट उसके बाद आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपकी राय में इस कमला हॉस्पिटल रियली इक्विप्ड टू हैंडल सच टाइप ऑफ पेशेंट्स, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको आपके पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ है यहाँ? राइट एंड लेफ्ट वी आर डूइंग एवरीथिंग, एंड वी हैव अ गुड, वेरी गुड टीम, डॉक्टर रजत मिसूरिया इज लाइक हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी वेल, एंड लाइक उन्होंने काफ़ी इतनी बड़ी टीम जुड़ी है, जैसे डॉक्टर विवेक लांजे भी आते हैं, ही इज अ सीनियर CTVS कार्डियक सर्जन, सो लाइक कार्डियक एंड वैस्कुलर का हम फुल कवरेज, मतलब रेदर इट में भी एनीथिंग, सुपर, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, इसके बाहर कुछ जाता ही नहीं है, वैस्कुलर का, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो मतलब अब बुंदेलखंड और झांसी के तो अच्छे दिन आ गए कि हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो यहाँ पर राउंड द क्लॉक बैकअप है सब सुपर स्पेशलिस्ट का, मेन चीज ये है जी, तो और काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी या इंटर डिपार्टमेंटल भी चीज़ें होती है जी, जब जी, आप सुपर स्पेशलिटी की बात करते हो तो ऐसी कुछ कुछ होती है कि जो जो चीज़ दो डिपार्टमेंट के डोमेन में आती है जी, जो तो हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग होती है उन चीज़ों की, तो हम मिलकर काम करते हैं उस चीज़ पर। सुपर, थैंक यू सो मच डॉक्टर निकुंज, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ पार्ट किया है, और हम चाहेंगे कि आपका आने जाना ऐसे ही झांसी बना रहे, बुंदेलखंड को सपोर्ट मिलता रहे, कर ही रहे, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों डॉक्टर निकुंज यहाँ पे हर वीकेंड या महीने में कम से कम एक बार भी अगर आते हैं तो आप लोग को यही देखना, सर मैं एवरी वीकेंड आई एम हियर, एवरी वीकेंड यू आर हियर, राइट, एवरी संडे आई एम डूइंग इट, एवरी सैटरडे संडे फॉर झांसी एंड बुंदेलखंड। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी इस तरह की तकलीफ को सह रहे हैं या एक बार कंसल्ट करके दिखाना चाहते हैं, ही इज़ द मैन, प्लीज़ डू कम एंड विजिट कमला हॉस्पिटल, आई एम श्योर देयर इज अ रेमेडी फॉर यू, वेट हियर।